हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। सूरत शहर सहित समग्र देश भर में गणपति बाप्पा नु त्यौहार ने उज्जवनी थई रही छे। कोरोना ने लई बे वर्ष थी त्यौहारों ने उज्जवनी थई शकी न हती, परंतु आ वर्षे नियंत्रण हळवा थता खूब ज हर्ष उल्लास साथे त्यौहारों ने उज्जवनी करवामां आव्यो अने आ वर्षे सूरत शहर में लोकोमां पण भारे उत्साह जोवा मळी रह्यो छे। त्यारे सूरत शहर ना लिंबायत विस्तार में हिंदू मुस्लिम सहित तमाम समाज ना लोको मळी कौमी एकता अने भाईचारा साथे गणपति ना त्यौहार खूब ज हर्ष उल्लास साथे उजवामां आव्यो, जेमां शांति समिति ना तमाम होद्देदारों अने लिंबायत पुलिस स्टेशन ना तमाम पुलिस कर्मियों तथा तमाम हिंदू मुस्लिम सामाजिक कार्यकर्ताओं उपस्थित रह्या हता। ब्यूरो रिपोर्ट क्यूएन टीवी न्यूज सूरत। माजी कोर्पोरेटर सुमनबेन पाटील अने आर सूरत शहर महिला मोर्चा ना उपर मो हूँ हमणा हाल लिंबायत विस्तार में उभी छू। गणपति विसर्जन माटे तो अमे लगभग 25-30 वर्ष थी शांतिपूर्वक आपणो गणपति निकले छे। सौ मुस्लिम भाई अने हिंदू मळीने ताजिया कमेटी अने शांति समितिना सभ्य सौ मळीने अमे गणपति दादा ने बहु खुशीथी विदाय आपी रहेला छे। जो टेन्शन जेवुं तो कंई छे ज नथी, पण खोटी रीतना लिंबायत ने बदनाम करवामां आवे छे। अमारा लिंबायत में एकता कमेटी थी लईने हिंदू थी लईने मुस्लिम थी लईने अमे सौ साथे मळीने बापा ने विदाय आपी रहेला छे। अने ताजिया कमेटी में पण अमारा हिंदू अने मुस्लिम भाईओ अमे सौ ताजिया कमेटी पण शांतिपूर्वक विसर्जन करीए। मारू नाम केसरअली पीरदादा, लिंबायत ताजिया कमिटी प्रमुख तमज शांति समिति अग्रणी। आज रोज अहीं संगम बेन सर्कल पास कौमी एकता अने भाईचारा ना माहौल में गणेश उत्सव निकले एना माटे अहीं मुस्लिम समाज आगेवानों तरफ थी हिंदू समाज अग्रणी कॉर्पोरेटरो तमज बधानुं स्वागत करी कौमी एकता अहीं उदाहरण पूरु पाड्युं छे। एमां अहीं एसीपी साहेब, डीसीपी साहेब, प्रवीण माल साहेब बधा अहीं उपस्थित रह्या हता અને આ માહોલ કોમી એકતાના માહોલમાં અહીંયાનો પ્રોગ્રામ સંપન્ન થયો છે। મારું નામ ઇમ્તિયાઝ નિઝામુદ્દીન છે, અલીફાળા, અને આ વિસ્તાર છે સંગમ સર્કલ પહેલી નહેર લિંબાયત। ગણપતિ વિસર્જનમાં કેવી રીતે સ્વાગત કરવામાં આવ્યો છે મુસ્લિમ સમાજનું? આ વખતે ગણપતિ વિસર્જન અને જે ગણેશ ભક્તો છે એમનું સર્વધર્મ એકતા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ જે અમારી છે તેમાં મુસ્લિમ અને હિન્દુ બંને ભાઈઓ મળીને એમનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરીને એમને અમે ઉત્સાહ વધાર્યો છે। કેટલા ગણપતિ અહીંયાથી નીકળે છે દર વખતે? લિંબાયત વિસ્તારમાં 350 થી વધારે ગણપતિજીની સ્થાપના કરાઈ છે અને એનું આજે વિસર્જન છે।